ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैं घर आ गई, चेंज कर लिया है और हाथ पैर सब धो लिए थे आके। अब क्या कर रही हूँ, सुबह आलू पराठा बना के गई थी मेरे बाबू और हबी के लिए, वो लोग खा चुके थे और मैं एक पराठा खा के गई थी और एक पराठा रख के गई थी, तो ये मेरा दूसरा पराठा भी खा रही हूँ आने के बाद, क्योंकि भूख लगी है। सुबह से भी एक ही पराठा खा के गई थी और अभी बज रहा है 11:30। तो बस ऐसे ही गया मेरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोपहर से और व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि वहां से आने के बाद फिर नहाई, फिर खाना खाया दोपहर का। सबसे पहले हबी को खाने दिया क्योंकि उनको उनका ऑफिस था 2 बजे से, वो खा के चले गए। फिर बाबू और मैं भी खाना खा ली और उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे ठंडियों के, जो स्वेटर वगैरह जो बाहर, आज भी बहुत सारा कपड़ा धोया था हबी ने वॉशिंग मशीन में क्योंकि वो घर पे थे, तो बहुत सारा कपड़ा धो के एकदम बोलते नहीं कपड़ों का पहाड़ जैसा हो गया था, तो वो सब सूखे थे तो सब कपड़े उठा के ले आई, उनको फोल्ड किया और सब मेरे कपड़े अलग से रखे, मेरे हबी के कपड़े अलग से रखे कबर्ड में, बेटू का कपड़ा अलग से रखा, ये सब किया। तो बहुत सारे कपड़े थे एकदम पहाड़ जैसे एकदम बन गए थे, तो उतना सारा कपड़ा सब फोल्ड किया करने के बाद फिर दोपहर को सो गई थी बाबू को लेके, तो उसके बाद कोई व्लॉगिंग इसलिए नहीं हुआ मेरा। अभी शाम हो चुकी है और लाइट वगैरह भी ऑन की हूँ बाहर का, अभी अभी तक ऑफिस से नहीं आए, यहाँ पे दूध चढ़ाई हूँ बॉयल करने के लिए, तो दूध चढ़ाई हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने काली दाल और वो राजमा वगैरह एक साथ सब भिगोया था छोले, तो वो सब फूल गए। अभी इनको कुकर में सीटी लगाऊंगी, इसमें थोड़ा प्याज लहसुन मिर्च सब डाल के, टमाटर वगैरह डाल के इसको सीटी लगाऊंगी, रात को बनाऊंगी डिनर में तड़का दाल और रोटी। और रोटी मेरी बेटी की फरमाइश है, एक्चुअली कल रात को हम चावल खाए थे तो मेरा बेटा चावल देख के क्या बोल रहा है, मम्मा रोटी पराठा नहीं है, तो मैं बोली नहीं रोटी पराठा नहीं है, उसको रोटी पराठा खाना है, तो मैं बोली ठीक है आज बनाऊंगी रोटी, कल नहीं रोटी खाई ना, कल चावल दी, तो मेरा बेटे को भी रात को रोटी उतना पसंद, मतलब चावल उतना पसंद नहीं है, इसको रोटी ज्यादा पसंद है, रोटी से मेरे हबी को भी रोटी पराठा ज्यादा पसंद है, मेरे बेटे को भी, तो यही है। तो अभी ये तड़का दाल उबालूंगी और तड़का बनाऊंगी, तो आपको बाद में मिलती हूँ। दूध पियो, ये आज हबी को दिवाली का मिठाई मिला ऑफिस से, ये वाला और ये वाला, इसमें से तोड़ के मेरा बेटा खा गया, आते ही खा गया, तो ये है दिवाली की मिठाई, ये इवनिंग टी और एक पैटीज, इसके अंदर एक है, एक पैटीज वो मेरी है, तुम्हारा नहीं है, तुम ये ओ अपना दिखा रहे, वो खा रहा है जो, हाँ हाँ अभी रिलीज नहीं हुई है, आज 12 तारीख है, कल रिलीज होगा चलांग, अभी देख रही हूँ, पहले तो डेट 12 दिखाया था, अभी लगता है डेट चेंज किया है, पहले 12 था अभी 13 हो गया, तो कल रिलीज होगा चलांग, जबकि सूरा रही पोटरू जो साउथ की मूवी है वो आज ही रिलीज हो गई, पहले तो दोनों एक साथ रिलीज होने वाले थे, चलो कल देखूंगी चलांग, आप लोग भी देखना फ्राइडे। ये मेरे घर का वीडियो है मायके का बंगाल में, मम्मी ने भेजा है तो आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरा घर ऐसा सजा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, फुल हर साल ऐसे ही सजाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा तड़का दाल या दाल मखनी आप जो भी बोलो बन ही गया है, अब इसको थोड़ा और कुक करूंगी, मैंने मेथी भी डाल दिया है कसूरी मेथी, और रात को अभी रोटी के साथ खाएंगे, मेरे बेटे की फरमाइश थी रोटी खाना है, तो मैंने सोचा रोटी के साथ तड़का दाल बना देती हूँ, उसको बहुत पसंद है ये दाल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, और आज है फ्राइडे, आज है धनतेरस, तो हैप्पी धनतेरस सभी को और हैप्पी दिवाली इन एडवांस।
क्योंकि कल तो व्लॉग नहीं दे पाऊंगी और कल बहुत ही हड़बड़ी रहेगी। मैं भी पूजा करती हूँ, लक्ष्मी पूजा, तो सब तैयारी कर रही हूँ। और अभी क्या कर रही हूँ, देखिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, यहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे ब्रेड टोस्ट किया है और कल रात को तड़का बनाया था, ये देखिए। तो तड़का और ब्रेड टोस्ट ये भी खाएंगे, मिठाई जो ऑफिस से ये लाए थे। बस हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट, बाकी हलचल आप लोगों को दिखाती हूँ क्या होता है पूरा दिन। बैठो बाबू। ओके फ्रेंड्स, अभी लगभग बहुत काम हो चुका है और घर झाड़ू पोछा हो गया, दीदी काम करके चली गई, बर्तन माँज के। आज दीदी को बोनस भी दिया, दिवाली का बोनस और मिठाई भी। तो दीदी कल भी आएगी काम पे शायद सैटरडे को, लेकिन संडे मंडे नहीं आएगी दीदी। तो यही है, और अवन अभी तक नहीं निकाला, कल जो भोग बनाऊंगी अवन निकालते टाइम आप लोगों को दिखाऊंगी। और हबी अभी गए हैं बाहर थोड़ा सामान लाने कुछ कल के पूजा का, जैसे सब्जी वगैरह फल कल के लिए। और अभी दोपहर को कुछ खास नहीं बनाऊंगी मैं, दोपहर को शायद थोड़ा दाल चावल बना लूँ बैंगन फ्राई के साथ खा लेंगे, क्योंकि वो रात को बनाऊंगी मेन में। रात को थोड़ा पनीर की सब्जी या कुछ बनाऊंगी ताकि रात को भी हो जाए, और वो सब्जी थोड़ा पनीर का रख भी दूंगी कल दोपहर के लिए, ये दोनों खाएंगे क्योंकि मेरा तो उपवास रहेगा सैटरडे। और कल पूजा है, लक्ष्मी पूजा शाम को करूंगी, तो मैं तो उपवास रखूंगी और पूरा दिन मैं वो भोग वोग बना भी रहेंगे घर पे, कल छुट्टी है। तो अभी रात पूजा के लिए कुछ अलग से नहीं कर रही, क्योंकि पूजा का तो मेरा एकदम अलग ओवन बर्तन है, और पूजा का सामान मैं सब इधर बनाऊंगी, अपने जो छोटा सा बरामदा है बालकनी उधर, तो इसलिए किचन में टच होगा भी नहीं, इसलिए किचन की तरफ मैं ज्यादा उतना नहीं कर रही, बस झाड़ू पोछा हो गया किचन, और साफ सफाई उतना अलग से नहीं करना पड़ेगा जितना मुझे करवा चौथ पे करना पड़ा था। तो वही है बस, अभी नहाने जाऊंगी, अभी नहाया नहीं, अभी मैं भी नहाऊंगी, बेटू को भी नहलाऊंगी, फिर दोपहर का खाना खा के घर भी झाड़ू पोछा हो गया। तो मैं आज थोड़ा शाम को रंगोली बनाऊंगी। स्केटिंग से एडवाओ, सीखना है स्केटिंग। आज क्या है, दिवाली, धनतेरस, बोलो हैप्पी धनतेरस, जोर से बोलो धनतेरस। यहाँ पे भगवान के सारे बर्तन जो निकाले थे वो है, ये कलर्स मैं कल खरीद के लाई थी, थोड़ा बाहर गई थी जब आते टाइम ही, नया पैकेट है। और साथ में थोड़ा ये सब रिबन लाई हूँ, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखूंगी वहाँ पे सजाऊंगी डेकोरेशन के लिए, ये सब भी ले आई हूँ स्टिकर। और ये सब मेरा पुराना ढांचा है, पहले का ही है ये सब डिजाइन का, तो पता नहीं ये सब यूज करूंगी कि नहीं, देखती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा रंगोली बनाऊंगी, आज एक्चुअली फ्राइडे है धनतेरस, और हम में बंगालीज में नियम होता है आज के दिन 14 दीयस जलाते हैं, अपने 14 ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मतलब ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स सबके नाम पे, तो ये सभी का नियम होता है। और आज के दिन 14 टाइप के साग भी बनते हैं, साग या सब्जी मतलब 14 टाइप का सब्जी मिला के एक सब्जी भी बनता है। तो ये किसी किसी के घर में नियम होता है, किसी किसी का नहीं होता, मेरे मायके में ये नियम है 14 साग खाना, एक साथ 14 तरह का सब्जी मिला के सब्जी बनता है आज के दिन, और 14 दिए जलते हैं। मेरे ससुराल में 14 सब्जियों का मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो पता नहीं, मेरी सास भी नहीं करती, मैंने देखा नहीं उनको ये चीज करते हुए। और स्टिकर ही लगाई हूँ मैंने लक्ष्मी माँ का, एक्चुअली रेंटेड हाउस है, क्वार्टर में थी, मैं अपने इस वीडियो में शेयर करूंगी फोटो तब के। क्वार्टर होता है तो जैसे खुद के घर जैसा होता है, तो वहां पे मैं पेंट से भी रंगोली करती थी और चावल के आटे से भी, लेकिन ये एक तो मार्बल फ्लोरिंग है व्हाइट कलर का, इसमें चावल के आटे का रंगोली अच्छा नहीं लगेगा, डिजाइन उसको समझ ही नहीं आएगा। और पेंट करने का मन था लेकिन कैसे करूँ, ये रेंटेड हाउस है, लैंडलॉर्ड गुस्सा भी हो सकते हैं,
क्योंकि वॉल डेकर्स लगाया था तो वही देख के पूछ रहे थे ये सब उठ जाएगा ना, तो नीचे अगर मैं ऐसे कलर से करूंगी तो उनको पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं अबीर या गुलाल जो बोलते हैं गुलाल से रंगोली बनाऊंगी ताकि वो झाड़ू लगाने से या धोने से चला जाए। तो इस बार मैं पेंट से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि रेंटेड हाउस है और क्वार्टर होने से क्वार्टर में कर पाती हूँ लेकिन यहाँ नहीं कर पाती, तो यही है। तो स्टिकर लगाया, अभी रंगोली थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आज बनाऊंगी और मेन तो कल सैटरडे जो मेन दिवाली है 14 तारीख को उस दिन बनाऊंगी मेन रंगोली। ये पूजा वाला ओवन अभी निकाला है, ये पैकेट में था और शिफ्टिंग के टाइम ऐसे पैक करके लाए थे और पैकिंग फिर खोला नहीं था यहाँ आके, तो इसे निकाला है, कल धोऊंगी इसको, धो धा के यूज करूंगी। अभी शाम हो चुकी है तो सब लाइट जला रही हूँ मैं बाहर, सबके घर के लाइट जल गए हैं, मैं भी जला रही हूँ। हाँ दिया जला रही हूँ। डेकोरेट किया ऐसा दिख रहा है हमारा बिल्डिंग। ये मेरे पुणे का है, वहां पे रंगोली का डिजाइन, और ये दिल्ली का है, यहाँ का रंगोली डिज़ाइन। ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया, ये सब मैंने बनाया है कलर से, लेकिन इस साल नहीं बना सकती क्योंकि रेंटेड हाउस में नहीं बना सकती, क्वार्टर में बना पाती हूँ आराम से, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता, खुद के घर जैसा होता है। ये सारे डिज़ाइन देखिए मैंने बनाए थे एक के बाद एक हर दिवाली पे जब दिल्ली में थी, और पुणे में सिर्फ एक ही बार थी दिवाली पे, तो एक बार का ही वो है, उसमें ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि बेबी था और अभी बेबी के साथ उतना नहीं कर पाती हूँ। बाकी पुणे में दो बार दिवाली पे मैं घर ही थी। तो ये सारे देखिए गुलाल से रंगोली ये सब मैंने बनाया है, तो ये सारा है पहले का बनाया हुआ मेरा डिज़ाइन रंगोली का, हर साल दिवाली पे बनाती हूँ। ये एक और डिज़ाइन। बबी बाबू देखा, जाओ बाबिन को उधर जाओ। अब हाथ छोड़ा है, मिशन फेल, मिशन फेल। नासा के दोनों साइंटिस्ट फेल, इनका रॉकेट बेकार निकला, उड़ ही नहीं रहा। बाबा हटो हटो, पिघल पिघल के गिर रहा है, शरीर पे गिरेगा। दोनों साइंटिस्ट फेल नासा के, बेकार रॉकेट, रॉकेट लॉन्च ही नहीं हो रहा। रॉकेट लॉन्च ही नहीं हो रहा बाबू।
रॉकेट में खराबी है, एक साइंटिस्ट तो उछल कूद कर रहा है, नाच रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अभी शाम को पनीर बना चुकी हूँ और उसके बाद हम खा भी चुके हैं। शाम को पनीर बनाने के बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाई, तो अभी दिखा रही हूँ आपको ये पनीर जो बचा हुआ है। ये देखिए, तो ये पनीर की सब्जी और रोटी हम रात को खाए हैं। और ये पनीर बच गया, ये भी रख दूंगी, मेरे हबी कल दोपहर को खा सकेंगे बेटू के साथ, और साथ में ये दाल वगैरह बॉईल कर लेंगे या दाल बना लेंगे, कुछ बना लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं कल और ये किचन में कुछ नहीं करने वाली। कल मैं सुबह से ब्रेकफास्ट बना के इन लोगों को दे दूंगी, उसके बाद मैं नहाने चले जाऊंगी सुबह सुबह, नहा वहा के फ्रेश होकर फिर मैं पूजा के काम में लग जाऊंगी सुबह से। ओके, अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं छलांग मूवी अभी देख रही हूँ, क्योंकि ये आज ही रिलीज हुआ है। अच्छी लग रही है अब तक तो, अच्छी मूवी है, अब बात का पता नहीं। हैप्पी दिवाली सभी को, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।